नहीं कर सके, मेरी हेल्थ भी चेक करवाने गए थे। ये तो हम इतनी गर्मी थी, हमने व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा चीज़ें खाई थी, हमारी प्यास नहीं बुझी। हमने घर आके ठंडा ठंडा जामा शरीफ किया, नहाया, पाइप से मोटर चलाई है, मज़ा आया है। तो हमने बाजार से दिखाते हैं आपको क्या क्या, मेरा बर्थडे आने वाला है, बर्थडे मैंने खुद वैसे चीज़ें ली है। एक ये बुलबुले शायद बुलबुला तो दिखो ताकि, ये मास्क है मेरा दो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? मैं ठीक हूँ। और जैसे कि मतलब ये लोग, मैंने कैमरा सेट किया तो मैं सोच रही थी कि मैं कैसे शूट करूँ। तो आज सेट से मतलब कि अभी सब मैं अभी रेडी कर रही थी, चीज़ें देख रही थी, सोच रही थी कि मुझे लाइक आज के ब्लॉग में क्या होना चाहिए। तो आयशा ने जो है अपना ब्लॉग खुद ही बोलना शुरू हो गई, तो मैंने कहा चलो फिर इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे आयशा ने बताया, हाँ काफ़ी सारी चीज़ें जो थी पेंडिंग पे थी, व्लॉग्स भी नहीं बनाए थे। और आयशा की आइस एलर्जी हो गई थी तो जिस वजह से उसको चेकअप कराना था। फिर आज के दिन के लिए मैंने थोड़ा बहुत काफ़ी सारा काम, आयशा का बर्थडे आने वाला है फिर उसकी तैयारियाँ, उसके लिए भी जाना था। आज हम गए सुबह, तो पहले आयशा की आइस चेक करवाई हैं, फिर उसके बाद सदैव आया हुआ तो इस वजह से हल्ला गुल्ला। तो अच्छा, सबसे पहले हम गए हॉस्पिटल, वहाँ पर आयशा की आइस चेक करवाई, फिर उसके बाद हमने मन के लिए उसके बर्थडे का मैंने टॉय लिया। फिर उसके बाद जो है हमने आयशा के बर्थडे के लिए एक केक ऑर्डर किया, जैसे मैंने सोचा है अल्लाह करे वैसा बन जाए। अब वो मैंने किस तरह का बनवाया है बताऊँगी। आयशा के लिए मैंने क्या गिफ्ट किया है वो भी मैं बर्थडे वाले दिन ही दिखाऊँगी उसे ब्लॉग में। तो अभी बस ये चीज़ें आई थी मैंने अपने लिए, बाकी खाया पिया। गर्मी इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी, हमने बहुत 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 ज़्यादा पानी पिया, जूस पिए, लेकिन प्यास जो है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतनी शदीद किस्म की गर्मी थी कि ब्लॉग शूट नहीं किया, बिल्कुल भी शूट नहीं किया। वैसे आयशा हॉस्पिटल में जब थे तो वो अपना एक क्लिप ले रही थी, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बस बाकी कुछ भी नहीं, शदीद गर्मी थी। और अच्छा कि पापा ने पार्सल भेजा है तो मैं सोच रही हूँ कि इसको भी बर्थडे पे आई थिंक खोलना चाहिए और बताना चाहिए, लेकिन वो है कि अब इसको यही है कि मुझे मेरा बर्थडे वाला गिफ्ट भी अभी चाहिए, मैं अभी इसके साथ खेलूँ। तो ये वाला भी बोल रही है कि इसमें खिलौने हैं मुझे दिखाओ, तो मैंने कहा कोई खिलौना नहीं है। एंड स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू मेरे 1K सब्सक्राइबर्स, यस, और हमेशा ऐसे सपोर्ट करते रहें, और थैंक यू सो मच फॉर और 1K सब्सक्राइबर्स। ओके, तो फ्रेंड्स अभी आज तक के लिए बस एक ऐसी छोटी सी शेयरिंग थी जो मैंने सोचा कि एटलीस्ट अपना एक व्लॉग जो है डाल दूँ। जैसे जैसे बर्थडे की तैयारियाँ करूँगी तो उसका व्लॉग शूट करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम जो है शाम हो चुकी है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं जन्नत लोगों के यहाँ। तो वापसी पे जो है कुछ आयशा की बर्थडे के लिए थोड़ी सी चीज़ें लेनी है लाइक बलून्स वगैरह, सो वो भी वापसी पे लेते आएंगे। तो ठीक है, मैं देखूँगी अगर व्लॉग शूट कर सकी तो शूट करूँगी। सो मिलते हैं अगले स्टेप में, बाय।
ये मैंने फाड़ दिया। हेलो फ्रेंड, तो जैसे कि ऐश्वर्या आप लोगों को बताया है, ये वो ऐशा का वो वाला डेकोरेशन है जो आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा होगा। तो ऐशा की बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए हम ये वाला पोर्शन हमने सेलेक्ट किया, तो हम जो है ना यहाँ सारा कुछ हटा दिया, तो जो थोड़ा सामान रह गया था वो भी अभी हमने यहाँ से हटा दिया। तो अब जो है इसको सेट करते हैं, थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं और सबसे पहले सफाई करते हैं। सफाई इज माय फेवरेट। सफाई से मरी फेवरेट। तो अभी हम लोग जो है ये वाला इतनी जगह जो है इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने लगे हैं। तो उस डेकोरेशन के लिए मैं क्या क्या चीज़ें लेके आई हूँ, तो तुम क्या कर रही हो? तो जो जो चीज़ें मैं लेके आई हूँ वो सब मैं आपको दिखाती हूँ, तो शुरू करते हैं। ओके, तो ये हैं कुछ चीज़ें जो हमने मंगवाई हैं। ये मैंने मंगवाया है दराज से, ये ऑर्डर किया दराज से, और ये यहाँ से इसका एज जो है टूट गया। सो और ये हैं बलून्स सारे, ये रिबन्स, और ये है बर्थडे बैनर, कुछ कील, धागा हथौड़ी, और ये जगह गिफ्ट पैक करने के लिए जो है मैंने ये गिफ्ट पेपर लिया, और इसमें भी कुछ कील हैं। तो बस इतनी सी चीज़ों के साथ जो है मैं डेकोरेट कर चूँ, तो कम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक राउंड हमने ऐसे लगाया है, ठीक है, ये देखिए हमने ये लगा लिए है। हाय फ्रेंड्स, तो ये अभी आज के लिए बस मैंने इतना ही किया काम, तो अभी बलून्स वगैरह आज नहीं ब्लॉक करने क्योंकि वो सब फट जाएंगे, तो अभी बस वैसे ही हमने दो जो हैं ब्लॉक करके तो यहाँ पर लगा दिए हैं, और बस अभी आज के लिए इतना ही किया। तो ये ऑलमोस्ट फाइनल लुक है विदाउट बलून्स, तो जब बलून्स ब्लो करेंगे तो वो सब यहाँ पर दिखाई देंगे इधर, और काफ़ी सारे यहाँ पर ऊपर। तो